नमस्ते छात्र। अब हम एक कहानी पढ़ लेंगे। इस कहानी का नाम है बाप का हृदय। इस कहानी के कहानीकार का नाम है श्री सुदर्शन जी है। पगले कहानीकार के परिचय पढ़ लेंगे, इसके बाद इस कहानी को देख लेंगे। श्री सुदर्शन जी प्रेमचंद परंपरा के कहानीकार हैं। इनका दृष्टिकोण सुधारवादी है। अपनी प्रायः सभी प्रसिद्ध कहानियों में इन्होंने समस्याओं का आदर्शवादी समाधान प्रस्तुत किया है। अब हम इस कहानी को देख लेंगे। कहानी का सारांश। राजा राम का परिवार। लाला राजा राम दफ्तर में काम करते थे। दफ्तर को अंग्रेजी में ऑफिस कहते हैं। लाला राजा राम ऑफिस में काम करते थे। उनकी पत्नी का नाम कौशल्या था। उनके एक लड़का और एक लड़की थी। लड़का बड़ा था और उसका नाम शादीराम था। माता पिता उसको शादी कर पुकारते थे। लड़का बड़ा था और उसका नाम शादीराम था। माता पिता उसको शादी कर पुकारते हैं। लड़की छोटी थी, उसका नाम शकुंतला था। और एक बार बताती हूँ। लाला राजाराम दफ्तर में काम करते थे। राजाराम मेहनत करने से जी नगी चुराते थे, मगर अपने परिवार वालों से दिलचस्पी लगन नहीं लेते थे। वे मानते थे कि कमाना उनका काम और परिवार का निर्वाह करना पत्नी का काम। वे अपने परिवार वालों से अधिक महत्व समाचार पत्रों में छपे निबंधों को देते थे। राजाराम दफ्तर में काम करते थे। उनकी पत्नी का नाम कौशल्या था। कौशल्या अपने बच्चों से प्यार करती थी। वह उनको पुचकारती थी, प्यार दिखलाती थी और उनके साथ खेलती थी। वह चाहती थी कि उसके पति भी बच्चों से लाड प्यार करे, मगर राजाराम ऐसे आदमी नहीं थे। इसलिए कौशल्या बहुत दुखी थी। राजाराम की पत्नी का नाम कौशल्या था। वह अपने बच्चों से प्यार करती थी, बच्चों के साथ खेलती थी, वह उनको पुचकाती थी कहते प्यार दिखलाती थी। उनके एक लड़का वो लड़की थे। लड़का का नाम शादीराम था। वह बड़ा था। माता पिता उसको शादी कर पुकारते थे।
शादी राम कौशल्या अब राजा राम का बड़ा बेटा था। शादी राम कौशल्या अब राजा राम का बड़ा बेटा था। वह हर बच्चों की तरह नटखट था। वह अपने पिता से डरता था, माँ से प्यार करता था। वह अपने पिता से डरता था, माँ से प्यार करता था। इस शादी राम नए कपड़े पहनने पर दोस्तों को दिखाना चाहता था। शादी राम कौशल्या और राजा राम का बड़ा बेटा था। वह अपने पिता से डरता था, माँ से प्यार करता था। नए कपड़े पहनने पर ये कहते थे दोस्तों को दिखाना चाहता था। माता पिता उसको शादी कहकर पुकारते थे। लड़की छोटी थी, उसका नाम शकुंतला था। उसको शनी ऐसा कहकर पुकारते थे। बेटा को शादी कहकर पुकारते थे, बेटी को शनी ऐसा कहकर पुकारते थे। शादी कैसा लड़का था? शादी नटखट लड़का था। बार बार गलती करके राजा राम के गुस्से का शिकार हो जाता है। ये बार बार गलती कुछ न कुछ गलती करके राजा राम पिता है ना पिताजी के गुस्से का शिकार हो जाता था। राजा राम का गुस्सा। एक शाम को दफ्तर से ऑफिस से वापस आते ही राजा राम कौशल्या से बोले कि शादी राम ने मेरी जेब से चवनी चुराई है। क्या बोले? शादी ने मेरी जेब से चवनी चुराई है। आज उसको अच्छा सबक सिखाऊंगा। अच्छा सबक सिखाऊंगा। सबक कहते पाठ। आज उसको अच्छा पाठ सिखाऊंगा। माँ कौशल्या किसी भी तरह बेटे को बचाना चाहती थी। कौशल्या किसी भी तरह बेटे को बचाना चाहती थी। उसने राजा राम से कहा कि कल मैं मर जाऊंगी तो इन बच्चों को रो रो कर मरना होगा। तुम उनका ख्याल नहीं करोगे। विचार ख्याल करते विचार ध्यान नहीं करोगे। ये बच्चे हैं, ये शरारते करते हैं। ये बच्चे हैं इसलिए ये शरारते करते हैं। और कौशल्या राजा राम से कहते हैं कि आप बाप की तरह मारो और बाप की तरह प्यार भी करो। कौशल्या ने क्या बोला? राजा राम से कहा कि बाप की तरह मारो, ये गलत करे तो मारो। बाप की तरह मारो और बाप की तरह प्यार भी करो। सारा दिन देखते देखते गुजरता है मगर आते तुम तूफान खड़े कर देते हो।
कौशल्या की इन बातों से शाहजाराम का गुस्सा शांत हो जाता है। कौशल्या की इन बातों से राजाराम का गुस्सा शांत हो जाता है। शन्नी का तमाशा। शकुंतला को कैसे पुकारते हैं? शन्नी ऐसा पुकारते हैं। शादीराम को शादी ऐसा पुकारते हैं। शन्नी है ना, शकुंतला को शन्नी का ऐसा पुकारते हैं। राजाराम कमरे में जाकर अखबार देखने लगे। अखबार को अंग्रेजी में न्यूज़पेपर कहते हैं। राजाराम कमरे में जाकर अखबार देखने लगे। इतने में कौशल्या बेटी शकुंतला को लेकर कमरे में आई। राजाराम क्या करते थे? राजाराम कमरे में जाकर अखबार देखने लगे। इतने में कौशल्या बेटी शकुंतला को लेकर कमरे में आई। कौशल्या ने राजाराम से कहा कि आज शन्नी ने मरना सीखा है। क्या सीखा है? आज शन्नी ने मरना सीखा है। और कौशल्या ने शन्नी से कहा कि शन्नी जरा बाबूजी को मरकर दिखा दो। कौशल्या ने शन्नी से क्या कहा? कौशल्या ने शन्नी से कहा कि शन्नी जरा बाबूजी को मरकर दिखा दो। इस पर शन्नी कौशल्या के सिर से ये दुपट्टा उतार लिया और उसे ओढ़कर जमीन पर चुपचाप लेट गई। ये देखकर राजाराम अनसंस कर क्या हुआ, लोट पोट हो गए। इसे देखकर राजाराम जोर से हंसे। इसे देखकर राजाराम अनसंस कर लोट पोट हो गए। राजाराम ने अंसकर शन्नी को जमीन से उठा लिया और उसका मुख चूम कर कहा, क्यों बिटिया, मरने की क्या जरूरत है? तेरी मां को बड़ा दुख होगा, अब न मरना। शन्नी ने दोनों हाथों से बाप का मुख पकड़ लिया और उसकी आंखों में अपनी शक्ल देखते देखते कहा, ओहो शन्नी, ऐसा कहा। उन्होंने शन्नी को उठाया तो उनकी आंखों में अपनी शक्ल देखकर कहा कि ओ शन्नी, ऐसा कहा। राजाराम बच्ची से प्यार करने लगे तो कौशल्या बहुत खुश हुई। राजाराम एक बच्ची से प्यार करने लगे तो कौशल्या बहुत खुश हुई। गृह कार्य। बाप का हृदय। कहानी के प्रमुख पात्र कौन है? बाप का हृदय। कहानी के प्रमुख पात्र राजाराम है। राजाराम के गुस्से का क्या कारण था? इन दो प्रश्नों के उत्तर को अच्छी तरह एक बार लिखिए। धन्यवाद।